अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज है? कल क्या पढ़ रहे थे और आज आज मेरा जो है वो इरादा ये है कि हम जो अमेज़ॉन एफिलिएट साइट है, कोई भी जैसे सब्सक्राइब की बात हम कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर लें। उसमें कोई भी ऐसा सेक्शन ऐसा ना हो जो हमने डिस्कस ना किया हो, या कोई चीज़ ऐसी ना हो जो हमने पढ़ी ना हो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक टास्क दिया था कि जी आपने जो सजावट हाउस है, एक कंप्लीट ई कॉमर्स साइट है, उसको आपने विजिट करना है और उसके अंदर देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं पढ़ी। इसी तरह आपने सेफ्सकाई को, या फिर आप डेपर डॉट रिव्यूज़ देख लें। ठीक है, डेपर डॉट रिव्यूज़ का कोई आर्टिकल खोल लेता हूँ मैं, जैसे उसको ओपन करें और उसमें से कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को लगता है कि डिस्कस करने वाली रह गई हैं तो आप लोग बता सकते हैं। एक प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मुझे याद है, और इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। ये मोनार्क का प्लगइन है, आज ड्यूरिंग द सेशन ही आप लोगों को मैं दे देता हूँ। फिर उसके बाद ये टेबल बनाना सीख लिया है हमने, कि टेबल के अंदर हमने लिंकिंग कैसे करनी है, इमेज कैसे लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक प्राइस का बटन हमने कैसे लगाना है, ये कस्टम बुलेट्स बनाना भी सीख लिया हमने। यहाँ पे इसको हेडिंग बनाया है, इसको हेडिंग बनाया है, पिक्चर लगाई है। ये चीज रह जाए तो आप लोग बता सकते हैं जो हमने इस वेबसाइट में डिस्कस करनी है। अच्छा, एक चीज जो और है अच्छी वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को ये जो नजर आ रहा है फुटर, उस फुटर में एक तो चीजें हैं, ये TOS, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर सब्सक्राइब, एफिलिएट डिस्क्लोजर है, टर्म्स ऑफ सर्विस है। मतलब ये एक मेन्यू है जो अलग से क्रिएट किया गया है फुटर के लिए। ये आइटम्स जो मेन्यू आइटम्स है, ये हेडर के लिए नहीं है, हेडर में इस्तेमाल नहीं हो रही है। हेडर में आप लोगों को पता है हमने कैटेगरी के लिंक्स जो हैं वो डाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट @2020 ब्रॉट टू यू बाय सेफस्काई, और नीचे जो है वो कुछ डिस्क्रिप्शन उसकी लिखी गई है। जैसे सेफस्काई इज अ पार्टिसिपेंट इन अमेजोन सर्विसेज LLC एसोसिएट्स प्रोग्राम एंड एफिलिएट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड अ मीन्स फॉर साइट्स टू अर्न एडवर्टाइजिंग। जो भी इन्होंने यहाँ पे एक मैसेज जो है वो छोटा सा हमने बनाया, तो ये इस तरह का मैसेज हमने अगर फुटर में शो करवाना है तो क्या करेंगे उसके लिए? कोई बता सकता है कैसे फुटर के अंदर हम अपना टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं? अच्छा जी, जीशान का सवाल अच्छा है। वो कह रहे हैं कि सर, अमेज़ॉन के लिए ये कैसे सिलेक्ट करते हैं कि किस प्रोडक्ट का रिव्यू किया जाए, या किस प्रोडक्ट के रिव्यू पे सेल किए ज़्यादा चांसेस हैं? अच्छा जीशान, ऐसा है कि जो SEO है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं कि फलां कीवर्ड है तो उस फलां कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, कि कितने लोग जो हैं वो उसको सर्च करते हैं मंथली, और उसके बाद उसका जो है वो कंपटीशन कितना है, कि उस कीवर्ड के ऊपर कितनी वेबसाइट्स बन चुकी हैं या कितने आर्टिकल्स हैं जो आपस में कंपीट कर रहे हैं लोगों को उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पे हम गूगल पे कोई बंदा आके बेस्ट जारो ओपनर लिखता है, ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, कि इतने लोग जो हैं वो इसको सर्च करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ये कंपिटिटर्स हैं। डेपर डॉट रिव्यूज इसमें पहले नंबर पे लैंड कर रही है, सेकंड नंबर पे इजी वर्ड की वेबसाइट है, फिर अमेजोन आ जाती है, फिर ये है जी कोई। अब ये सारे के सारे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है। हम किसी भी कीवर्ड को जो है उसका सर्च वॉल्यूम देख के, उसका कंपटीशन देख के जो है वो सारे का सारा चीज़ें जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर यू, ठीक है, oxo.com, ये सारे के सारे लोग जार ओपनर्स ही सेल कर रहे हैं, उनके बारे में ही रिव्यूज लिख रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, हम ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो आसानी से रैंक कर सकते हैं गूगल के अंदर, थोड़ी सी उनकी SEO करके।
लेकिन ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो जिसके लिए मैं बारहा आप लोगों को कह चुका हूँ कि टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ SEO के स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि ये 3 माह लगा के हमने जो है वो डेवलपमेंट सीखी है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो SEO सीखते हैं साल हर साल की मेहनत से, जैसे आप लोग डेवलपमेंट सीखते हैं, तो इसी तरह वो एक अलग फील्ड है। और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों को वो चीज़ें बताएंगे, जब आप टीम बिल्डिंग के अंदर काम करेंगे तो फिर आप लोग एक दूसरे से सीख रहे होंगे और एक दूसरे को देख के आपको SEO की टर्म्स के बारे में पता चलेगा, उसको वर्डप्रेस डेवलपमेंट की टर्म्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होगा, क्या कैटेगरीज होंगी, क्या टर्म्स होंगी, क्या आप शेयर कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मुझसे टेबल ऐड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? टेबल तो सिंपल, टेबल प्रेस का हमने एक टेबल है, टेबल प्रेस का एक प्लगइन है, वो हमने इंस्टॉल किया, उसको टेबल को क्रिएट किया, और उस टेबल के प्रेस के टेबल प्रेस के प्लगइन ने हमें एक शॉर्ट कोड दे दिया उस टेबल का। तो उस टेबल को हम अपनी जिस भी पोस्ट के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं, हम उसके शॉर्ट कोड को उठाते हैं और उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे हम टेबल को शो करवाना चाहते हैं हम लिख देते हैं। इसमें क्या मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स हैं हमारे, और ये देखें जी, एक प्रोज एंड कॉन्स वाला ही सेक्शन हमारा निकल आया। अब जैसे ये इजी टू यूज, आल्सो यूज टू ओपन ऑल साइजेस ऑफ जार्स, कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेसेस एंड लैक ऑफ वारंटी, ठीक है। ये इसका मतलब जो है वो बुरा पहलू ये है। किसकी बात कर रहे हो, कहाँ पे डिस्टेंस है? आपने अभी तक टेम्पलेट नहीं डिजाइन किया इसका ना? इमेज बेटा, यहाँ पे आपने हर जगह पे एक ही इमेज लगा दिया है, और ये इमेजेस ही अपलोड हुए हैं, और कहाँ पे इमेजेस अपलोड करने हैं बताओ? ये भी इमेजेस ही हैं, ये भी इमेजेस ही हैं लगाए हैं आपने, ये भी तो अपलोड हुए हैं ना सर? जब टेम्पलेट डिज़ाइन करके सेव करता हूँ तो 403 एरर है। अच्छा चलो, मैं इसको देखता हूँ क्लास के बाद, मुझे इसके लॉगिन्स भेज दो, फिर देखते हैं इसको। अभी ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा आपको, प्रॉब्लम समझाना अभी तक थोड़ा सा उसके अंदर मसला आ रहा है। इस इमेज के अलावा कोई नहीं ऐड हो रही थी, वो इमेज के साइज़ वगैरह के अंदर मसला होगा कोई, या इमेज की जो एक्सटेंशन है वो सपोर्ट नहीं कर रही होगी जो आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। बहरहाल अब ये अगली वेबसाइट आ गई है, इसको क्या हुआ है? आज वेबसाइट चेक करने का दिन तो नहीं है वैसे, लेकिन चले। गुड, वेरी गुड। ये जो कलर है यहाँ पे, थोड़ा सा देखो क्या किया आपने, इस कलर के साथ ही इसको या तो मिलाओ या फिर ये पूरे का पूरा कलर, ये वाला भी और ये वाला भी जो है वो ये ऐसा कर दो, ठीक है। जैसे सब्सक्राइब पे है शायद, हाँ ठीक है। ये देखो जरा, पूरे का पूरा ये जो सेक्शन है इसका पूरा बैकग्राउंड कलर और है, और ऊपर वाले सेक्शन का पूरे का बैकग्राउंड कलर जो है वो और है। फिर उसके बाद पोस्ट पे चलते हैं किसी पे, ठीक है, वेरी गुड। पिक्चर है और फीचर इमेज है, ये आपका कैटेगरी है, कैटेगरी पेज डिजाइन किया इन्होंने, और ये मशीनरी की है,
ठीक है, वेरी गुड, बेहतरीन। सर आपने टेबल इंपोर्ट किया हुआ देना था, प्लीज़ वो दे दें। हाँ यार, ये मैं अभी गिटहब खोल रहा हूँ, बाद में चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती हैं। आजकल मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि आप लोग याद भी करवाते हैं। एक दो लोग हैं जो डेली बेसिस पे मुझे मैसेजेस करते हैं याद करवाने के लिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो मैं लगते हाथ उनको अपलोड कर देता हूँ। ये टेबल था आई थिंक सो। चलो जी, ये टेबल अपलोड हो गया, और तो नहीं है कुछ? सर साइड बार भी स्टिकी नहीं हो रहा, पूरा एक इमेज बस स्टिकी हो जाता है। अच्छा इकरा, उसका जो हल है वो ये है कि आप एक सेक्शन ड्रॉप करो और उस एक सेक्शन के अंदर वो सारे इमेजेस ड्रॉप करो और उस सेक्शन को स्टिकी करो। ठीक है, आप एक इमेज को स्टिकी करती हो, या फिर आप उसकी जब स्टिकीनेस टॉप सेलेक्ट करती हो ना, तो वो फिर सिर्फ एक ही को आप टॉप के ऊपर स्टिकी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे सेक्शन को जब करेंगे तो वो ज़रा अच्छा हो जाएगा। सर फॉर्म 7 पे ईमेल रिसीव नहीं हो रही। नवीद, चेक योर स्पैम फोल्डर, अक्सर वर्डप्रेस की जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जा रही होती हैं। अभी फर्स्ट पेज की वर्किंग रहती है। अच्छा अच्छा ठीक है, और तो नहीं था कुछ अपलोड करने वाला? यार वो आप लोग कह रहे थे उसका स्कूल मैनेजमेंट वाले का। नहीं जी, ये स्कूल मैनेजमेंट का प्लगइन है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ अभी फिलहाल, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर आज हो जाता है तो। सर एक प्लगइन था, कौन सा प्लगइन? आई थीम सिक्योरिटी। हाँ आई थीम सिक्योरिटी भी रहता है, और आप देखना सारी चीज़ें याद आएंगी तुम लोगों को। यार अब मुझे ढूंढने पड़ेंगे, पता नहीं किधर पड़ा है वो। WP रॉकेट तो है ना आपके पास? अच्छा जी, आई डोंट नो कि फिर वो किधर पड़ा है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये पड़ा है जी, आई थिंक सिक्योरिटी प्रो। मोनार्क मोनार्क मोनार्क, आई डोंट नो मोनार्क किधर है। और क्या क्या चाहिए जल्दी बता दो, आज आज ही कुछ करते हैं मेरा ख्याल है कि। अच्छा जी, टेबल भी हो गया। सर अपने पीसी की सारी फाइल्स ही अपलोड कर दें, जो चाहिए वही करेंगे, डाउनलोड कर लिया। वाह वेरी गुड आइडिया, वैसे है सही है सही है, ठीक है लगे रहो, बहुत आगे जाओगे। ये लो जी मुनार्क पकड़ो। और क्या है, रियल स्टेट थीम।
ये इसका पेरेंट थीम भी अपलोड कर रहा हूँ और उसके साथ इसका चाइल्ड थीम भी है। लाइसेंसिंग फाइल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर रहे हैं। आई थीम हो गया, हाँ जी हो गया बिल्कुल। और कोई चीज़ रह गई है तो बता दो, अब इसके बाद मेरी जायदाद के कागजात रह गए हैं, बाकी सारी चीजें तो हो गई। कमिट करते हैं चेंजेस को। वू कॉमर्स प्रो ये कब से आ गया भाई? वू कॉमर्स प्रो, वू कॉमर्स तो वू कॉमर्स है, वो फ्री है, उसके अंदर प्रो नहीं है। वू कॉमर्स के कुछ एडऑन्स होते हैं, ठीक है, वो एडऑन्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, उसका प्रो वर्जन अभी तक आया नहीं। हेलो जी, ये सारे मोनार्क और आई थीम सिक्योरिटी, मेरा ख्याल है कि ये जिस फोल्डर के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ ना, कोई $2,000 से ज़्यादा इसकी वर्थ है। जो जो चीज़ें इसके ऊपर आ गई हैं, $2,000-3,000 से ज़्यादा की प्राइस है इनकी। अभी भी आप लोगों को इनका इस्तेमाल ना पता चले, अभी भी अगर आप लोग इनसे फ़ायदा नहीं उठाते ना, तो फिर क्या किया जा सकता है अफसोस के अलावा, कि अब आप लोगों के पास सारे के सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद जो है वो आप लोग काम नहीं कर रहे या फिर अर्न नहीं कर रहे, ठीक है। अब सिर्फ पीछे जो रह गया है ना काम, वो है मेहनत वाला। मेहनत कर लोगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा आसान होती जाएंगी, और अगर ऐसे ही लगे रहोगे कि जी ये भी दे दें वो भी दे दें सारा कुछ ही दे दें, तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, आप करना आना चाहिए आप लोगों को। अगर सर टीवी थीम देखा है आपकी फाइल में, बहुत होशियार हो गए हो तुसी, थैंक्स जी, इंशाल्लाह। डीवी भी दे दूंगा, डीवी अभी मेरा ख्याल है वो जो पड़ा हुआ है वो पुराना हो गया है, उसका लाइसेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है डीवी का, तो अभी जैसे ही उसको रीन्यू करवाएंगे तो फिर वो शेयर कर देंगे। चलें जी। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे प्रोज एंड कॉन्स की, और प्रीवियस लेक्चर का करवा लें कुछ आप अपने बिहाफ पर, फिर ट्राई कर लें हमारे लिए। पता नहीं क्या बोल रहे हो नायाब, अब प्रीवियस लेक्चर्स की तुम्हें ना बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने पहले भी बताया था कि एक तो ये है कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उनके साथ और दे रिफ्यूज। अब मैं बार बार तो उनको नहीं कह सकता, ये आपका ही कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं है। हाँ अलबत्ता ये किया जा सकता है कि किसी दिन जैसे सैटरडे को, या फिर ये ट्रेनिंग के लेक्चर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जब 10 लेक्चर्स पीछे रह गए हैं, तो आप लोग जो जो पॉइंट्स आपके रहते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में से वो मुझे बता दीजिएगा, मैं किसी दिन लाइव आऊँगा और आप लोगों के वो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं तो यही कर सकता हूँ, इसके अलावा और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोगों को खुद से पाबंद होना पड़ेगा और खुद से टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है अयूब। ना सर मैं देखता हूँ मैसेजेस, एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बिजी हूँ, तो आजकल किसी को भी रिप्लाई नहीं जा रहे, तो मैं देखता हूँ उसको। आई एम ट्राइंग कि आज जो है उसको देख लें। चलें जी आ जाएं लेक्चर की तरफ, मूव ऑन करें और जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं उनको देख लेते हैं। स्कूल मैनेजमेंट भी मैं ट्राई करता हूँ कि आज ही जो है वो इंशाल्लाह उसी को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि स्कूल मैनेजमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं इस प्लगइन को यूज़ करके, और ये जो स्कूल मैनेजमेंट का प्लगइन है इसके ज़रिए आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स किस तरह जो है वो
उनके साथ डील कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है जिसके जरिए आप लोग मुख्तलिफ स्कूल्स जो हैं आपके सिटी के, उनको एक पूरे का पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे सकते हैं, जिसके अंदर उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैनेज हो सकती है। और आपके स्टूडेंट्स की अटेंडेंस से लेके, टीचर्स की अटेंडेंस से लेके, उनकी सैलरीज, उनके एक्सपेंसेस, जितने भी आपके पूरे स्कूल पे आते हैं, जो स्टूडेंट्स फीस देते हैं, वो इनकम के अंदर ऐड होता रहता है। तो एक पूरा इन्वेंटरी को भी मैनेज करने के लिए, स्टेशनरी को मैनेज करने के लिए, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए, स्कूल की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस वेबसाइट के, इस प्लगइन के अंदर अवेलेबल है। तो आप लोग इसको यूटिलाइज करें अगर, और इसका एक छोटा सा डेमो स्कूल वालों रेडी करके, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करके उनको अगर डिप्लॉय करके देते हैं, तो 30-35 हज़ार रुपए के अंदर आप लोग इसको आसानी से बेच सकते हैं, आपको फ्री में मिल रहा है। उसके उससे अगला काम उनका होगा, फिर उन्होंने एंट्रीज करनी है, आपने सिंपल एक दफा उनको प्लगइन इंस्टॉल करके डिप्लॉय करके दे देना है, और उनको बता देना है कि आपने इसको इस तरह मैनेज करना है। वो आगे कोई कंप्यूटर का डेटा एंट्री ऑपरेटर रखें, कंप्यूटर ऑपरेटर रखें, वो जो रोजाना बैठ के उनके स्टूडेंट्स की एंट्रीज करता रहे इस सिस्टम के अंदर, और उनका जो स्टॉक है, उनका जो इनकम है, उनका जो एक्सपेंस है, वो मैनेज होता रहे। ठीक है, आपसे लाइव मुलाकात कब होगी? जब सेशन एंड होगा फिर ट्रेनिंग सेंटर जाकर मिलेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। ये वैसे बात मैंने पिछला जो बहस था उसके साथ भी की थी, और उनको कहा था कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी तो हम इंशाल्लाह सेंटर में मिलेंगे। तो अभी तक तो नहीं मिल पाए क्योंकि सेंटर जो है वो ओपन ही नहीं है, और उनके साथ इसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई कि ग्रेजुएशन सेरेमनी उनकी पेंडिंग है, और उनको सर्टिफिकेट्स जो है वो डिजिटली लोगों को दे दिए गए हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो है वो दे दिए गए हैं। इनशाला अभी तो सेंटर्स जो है वो ओपन है, हमारे जो लैब मैनेजर्स हैं और सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ये लोग तो जा रहे हैं सेंटर्स के अंदर और सेंटर्स से ही ड्यूटी कर रहे हैं अपनी अपनी। तो आप लोगों के लिए तो इतना जो है वो मुश्किल नहीं होगा, इनशाला ग्रेजुएशन सेरेमनी आप लोगों की जल्द हो जाएगी, और फिर इनशाला वहीं पर सेंटर में मुलाकात होगी। अच्छा जी, प्रोज एंड कॉन्स वापस आए। मैं हमारी जो साइट थी, क्या नाम था उसका जी, SEOGrowth.tools, और SEOGrowth.tools के अंदर जाके इसके WP एडमिन में चलते हैं जरा। और कल एक पोस्ट की थी, उसी पोस्ट के अंदर ना हम एक प्रोज एंड कॉन्स का टेबल बनाना सीख लेते हैं कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक पोस्ट थी, 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स इन 2020। इसके अंदर हमने ये एक एड लगाई थी, स्टिकी एड, उसको स्टिकी किया था। ये फीचर्स हैं, और फीचर्स को हमने अभी बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है वो दिखाना है। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। बुलेट पॉइंट्स तो बनाने आ गए ना आप सब लोगों को। अच्छा, अभी आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक जो है वो जो ऑप्शंस हैं वो वैसे नहीं आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को सबस्क्राइब का एडिटर दिखा देता हूँ कि उसका क्लासिक एडिटर कैसा है। कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिन्होंने काम किया है ना, वो फिर सवाल पूछते हैं और मुझे फिर उनके सवाल से पता लग जाता है कि ये लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कस्टम बुलेट्स जो है वो लगानी आप लोगों को सिखाई, या फिर मैंने अलाइनमेंट करना आपको सिखाया कि कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग उसके वो फॉर्मेट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर जाके उसकी अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई कर देंगे। अब यहाँ पे जब एक न्यू साइट होती है उसके अंदर यहाँ पे कहीं पे भी फॉर्मेट करने का ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैं इसकी पोस्ट में जा रहा हूँ और कोई भी पोस्ट उठा लेते हैं इनकी और उसको एडिट करते हैं। तो इसका एडिटर और इस एडिटर के जो ऑप्शंस हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ।
अब ये देखें जरा, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं और ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो एक नई साइट का, साइट के अंदर सिर्फ यही ऑप्शंस होते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये हमने किए हैं एक प्लगइन के जरिए, और उस प्लगइन का नाम है टिनी MCE एडवांस्ड, ठीक है, TINE, टाइनी MCE, फिर इतना ही लिख देते हैं। तो नहीं आया, चले। ये हमारे पास आ जाएगा जी, गूगल पे सर्च कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसका नेम चेंज कर दिया इन्होंने। प्रीवियसली टाइनी MCE एडवांस था, अब इसका जो है वो नेम चेंज करके इन्होंने रख दिया एडवांस्ड एडिटर टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, एडवांस्ड एडिटर टूल्स का है यहाँ पे कोई? चल नहीं है तो ना सही, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। इसको डाउनलोड करते हैं। हाँ जी, एडवांस्ड एडिटर टूल्स, ये हो गया। हम पुराने लोग हैं, पुराने नामों से याद है हमें, क्या कर सकते हैं। आप लोग माशाल्लाह आप नए हैं, तो नई चीज़ों को याद रखिएगा। इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। एक्टिवेट, हाँ, ठीक है, इसका वर्जन का मसला है। इसको हम लोग इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्टरी के अंदर जाके इसको अपलोड कर दें, और डायरेक्ट इसके सी पैनल की जो प्लगइन्स वाली डायरेक्टरी है उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक और चीज़ है वो ये है कि अगर आप, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सी पैनल की एक्सेस नहीं देते, और सी पैनल की एक्सेस ना हो तो आप लोग उनके फाइल मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से एक प्लगइन के ज़रिए जिसका नाम है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके आप लोग लेके चल सकते हैं। इसको इंस्टॉल किया तो इसकी जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो हमें मिल जाएंगी। जितनी जो हमारी पब्लिक HTML के अंदर जितनी फाइल्स होती है ना, जैसे WP कंटेंट है, WP एडमिन है, मेन मेन जो हमारी फाइल्स हैं, हेडर डॉट PHP, फंक्शंस डॉट PHP, फुटर डॉट PHP, तो वहाँ पे जाके हम लोग डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। सर WP प्लगइन से डाउनलोड हो गया था, ठीक है। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो कैसे आएंगे, उसके लिए ये प्लगइन है जिसका नाम है एडवांस्ड एडिटर टूल्स, ठीक है। उसको आप लोग यहाँ से एक्टिवेट कर लें। अच्छा जी, बहरहाल ये हो गया। और दूसरी, ये फाइल मैनेजर है, ये फाइल मैनेजर का प्लगइन इसलिए यूज़ होता है कि आप लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यूज़ करते हुए ही सी पैनल के अंदर चेंजेस कर सकें, ठीक है। मैं अभी ये इसको ओपन किया तो देखें यहाँ पे मेरे पास उसकी जो फाइल्स हैं वो खुल जाएंगी। इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये देखें जी, WP एडमिन, WP की डायरेक्टरी में कोई काम किया हुआ है, WP कंटेंट आ गया, WP इंक्लूड्स HTXS, ठीक है, इंडेक्स डॉट PHP, कन्फिग डॉट PHP। तो इन फाइल्स के अंदर आप लोग डायरेक्टली जाके चेंजिंग्स कर सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस ही, ठीक है। आपको सी पैनल की एक्सेस फिर उसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अब आप लोग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं किसी वर्डप्रेस वेबसाइट की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी पिक्चर्स को आपको कंप्रेस करके दोबारा अपलोड करना पड़ता है, तो WP कॉन्टेंट के अंदर आपको वो पिक्चर्स मिलेंगी। WP कॉन्टेंट के अंदर थीम्स का एक फोल्डर है, एक प्लगइन्स का फोल्डर है, एक अपलोड्स का फोल्डर है। तो अपलोड्स का फोल्डर उठाया, इसमें ये सारे के सारे अपलोड्स हैं जो आपके पड़े हुए हैं, जो जो पिक्चर्स हैं उनके सारे के सारे नाम हैं, उनके फोल्डर बने हुए हैं, एलिमेंटर के अंदर कौन कौन सी अपलोड हुई हैं, 2016 में कौन सी हुई थी, 2020 में कौन कौन सी हुई हैं, वो कॉमर्स में अपलोड्स कौन सी हुई हैं,
ठीक है, तो आप लोग यहाँ से उन पिक्चर्स को डाउनलोड करके विद सेम नेम दोबारा से कंप्रेस करके अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, बहरहाल हम चलते हैं अब अपने अगले प्लगइन की तरफ, और उसका नाम है प्रोज एंड कॉन्स। जो हमने अब अगर प्रोज एंड कॉन्स अपनी साइट के अंदर लगाने हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं, प्लगइन का नाम है i2 प्रोज एंड कॉन्स। i2 प्रोज एंड कॉन्स एक ऐसा प्लगइन है जो जो i2 प्रोज एंड कॉन्स के टेबल आप लोगों ने सब्सक्राइब में देखे होंगे, वो उस तरह के टेबल्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इसकी वेबसाइट पे भी जा रहा हूँ। सर, i2 प्रोज एंड कॉन्स मैंने लिखा गूगल पे, ये पहली wordpress.org की वेबसाइट आ गई मेरे पास। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको अपनी हमारी जो ये साइट है इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ से क्योंकि कर चुका हूँ तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट हो गया, अब इसका जो काम है वो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसकी सेटिंग्स हैं कुछ, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। मैं अपनी पोस्ट के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे ये एक जो सैम्पल शॉर्ट कोड है वो उठाना है। ठीक है, और इस सैंपल शॉर्ट कोड को जब हमने यहाँ से कॉपी किया तो हम जिस पोस्ट के अंदर वो टेबल लगाना चाहते हैं उसके अंदर हम उसको लिख देंगे। लेट सपोज इसके अंदर मैंने लिखना है तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ और उस शॉर्ट कोड को मैं यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे लेट सपोज फीचर्स हैं ये जो, इन फीचर्स के नीचे बिल्कुल मैं उस शॉर्ट कोड को जो है वो प्लेस कर देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्म में करना है, हेडिंग में नहीं करना, पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ। अच्छा, ये शॉर्ट कोड मैंने एज इट इज कॉपी किया है i2 प्रोज एंड कॉन्स की वेबसाइट से, जो wordpress.org के ऊपर जहाँ पे ये प्लगइन पड़ा हुआ है, उस शॉर्ट कोड को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया एज इट इज। अब यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ लिखी है वो लिखा है कि आपने लाइन बाय लाइन प्रोज को यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन यहाँ से प्रोज को उठाते जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई प्रोज पड़े हुए हमारे पास, जैसे इसको मैंने उठा लिया, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इसकी जगह पे। ठीक है, इजी टू यूज विद टू इंटीग्रेटेड बटन्स, एक प्रो लिख दिया। अब अगला प्रो जो है वो अगली लाइन में लिखना है मैंने यहाँ पे, ये बने बनाए यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ से इनको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रो अगली लाइन में, आप लोग अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो इसकी सारी की सारी सेटिंग करेंगे और इनके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक दो और उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जैसे ही एंड किया तो उस यहाँ पे जो है इसको मैं बिल्कुल इसके साथ जोड़ूंगा कि ये जैसे ही हमारा एंड वाला प्रो खत्म होता है वहीं से ये i2 प्रोज का जो टैग है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, फिर आईकॉन्स का जो है वो टैग स्टार्ट होगा और उसके अंदर ये सारे के सारे कॉन्स आएंगे। ठीक है, मैं कॉन्स की तरफ जाता हूँ तो इधर से एक ये उठाया तो कॉन्स की जगह पे मैंने प्लेस कर दिया, निचली लाइन में आए और निचली लाइन के अंदर अब मैंने अगले कॉन्स का जो सेक्शन है वो लिखना है। एक दो और डालना है इसमें, ठीक है, जैसे ये खत्म होगा तो इसके एंड पे हमें इसको ले आना है। यहाँ तक इतना सा काम करके मैं इस जो हमारा आर्टिकल है मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। हमने सिंपल क्या किया, i2 प्रोज एंड कॉन्स का प्लगइन इंस्टॉल किया इस साइट के अंदर और यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को कॉपी करके उसके अंदर अपने प्रोज एंड कॉन्स जो है वो लिख दिए। तो चलते हैं जरा साइट के ऊपर और देखते हैं कि वो अब टेबल जो है वो बन चुका है या नहीं।
ये ले जी, ये हमारा जो टेबल है वो अब तैयार हो चुका है। ये हमारे प्रोज हैं और ये हैं जी हमारे कॉन्स। उसने उसकी खुद ब खुद टेबल्स की हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे लाइक का आइकन है, यहाँ पे डिसलाइक का आइकन है, और ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह आ रही हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला है प्रोज एंड कॉन्स का टेबल क्रिएट करने में तो आप लोग बता सकते हैं। इसको ज़रा एक लाइन नीचे कर दें। अच्छा, एक लाइन नीचे करने के बाद चलें इसको अभी फिलहाल मैं अपडेट करता हूँ। सर, आपकी साइट का डेटा कॉपी कर लें तो कॉपीराइट तो नहीं देंगे? मैं तो कॉपीराइट नहीं दूंगा, लेकिन गूगल आपको रैंक नहीं करेगा, ठीक है? तो बेटर इज़ कि आप लोग खुद से काम करें और उन चीज़ों को खुद से लेके चलें। अच्छा जी, मैं अब जा रहा हूँ ज़रा i2 प्रोज एंड कॉन्स पे, ताकि मैं इसकी कुछ सेटिंग्स आप लोगों को और दिखा सकूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम्स हैं, जैसे थीम्स के अंदर एक शेडो है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर्ड है, अंडरलाइन है, स्पेसर है, हेड आइकन है। मैं यहाँ से हेड आइकन इसका थीम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। सारा कुछ कर लेंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये नहीं जी, हमारा अब प्रोज एंड कॉन्स का जो टेबल है वो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो ये थीम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपके ये देखें जरा, यहाँ से ये टिक और ये क्रॉस हो गए, और ये लाइक और डिसलाइक कुछ इस तरह से हो गए। तो ये आप लोग अगर इस तरह का टेबल आपको पसंद है तो इस तरह का टेबल भी आप लोग लेके आ सकते हैं। ये आपकी जो है वो ग्लोबल सेटिंग्स है, ठीक है, जिसमें कोई बॉर्डर शॉर्डर लगाना है, इनर बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर का कलर क्या रखना है, सेपरेट विद बॉर्डर शेडो, यूज स्पेस बिटवीन कॉलम्स, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे है हेडिंग। हेडिंग का जो सेक्शन है इसकी जो है वो सबसे पहले तो कलरिंग है, अलाइन हेडिंग टाइटल टेक्स्ट इन सेंटर, उसको टिक किया हुआ है, अलाइन हेडिंग टेक्स्ट इन सेंटर, इसको टिक किया हमने और इसको दरमियान में कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों के कलर्स वगैरह आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यानी जी प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो हमारे सेंटर में आ गए। फिर इसके बाद ये सेक्शंस हैं, फिर आइकन्स हैं, कौन से यूज़ करने हैं आपने। तो आइकन्स आप लोग डिफरेंट किस्म के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ, जो भी आइकन आपको पसंद आता है प्रोज के लिए, जैसे यहाँ पे हम स्टार लगा देते हैं, या फिर यहाँ पे हम हार्ट लगा देते हैं, ये वाला, या फिर ये वाला हार्ट लगा देते हैं, ठीक है? इधर हार्ट लगा दिया, इधर देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। ये लगाना है, ये लगा लें, ये टूटा हुआ दिल लगाना है, टूटा हुआ दिल लगा लें यहाँ पे, ठीक है? तो ये अब आपकी मर्जी है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ये यूज कर रहे हैं हम, इसको सेव चेंजेस किया। इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें, ठीक है जी? ये अब आपके इधर हार्ट्स लग चुके हैं और इधर जो है वो ये वाला आइकन लग चुका है, ठीक है? और चेक प्राइस का बटन है। अब ये देखें, आपका राइटर अगर एक प्रोडक्ट के लिए एक टेबल बनाता है प्रोज एंड कॉन्स का, और 10 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एक आर्टिकल के अंदर आपको 10 प्रोज एंड कॉन्स के टेबल, इसका मतलब ये है कि 10 शॉर्ट कोड्स वहाँ पे प्लेस करके आपको वन बाय वन उनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो उस शॉर्ट कोड के अंदर प्लेस करने पड़े, ठीक है? ये सारे का सारा जो काम है, ये आप इसके पैसे भी तो सारी बात है आप लेंगे ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनको अगर यूज़ कर लोगे तो जल्द से जल्द आप लोग पैसे कमा सकते हो। ये देखो, अब ये जो ऐड शो कर रहे हो यहाँ पे सेरीन लाइफ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो इसका भी हमने टैग देखना है कि वो उसके अंदर सब्सक्राइब को उसने यूज़ किया या नहीं, और उसके अंदर से भी ये चीज़ें, इसका जो कमीशन है वो हमें मिलेगा या नहीं। इसका मेरा ख्याल है कोई टोकन शोकन बनाया हुआ होगा इसने। ये देखे, seogrowth.tools, उसने डोमेन के नाम से यहाँ पे उसको जो है वो रेफरिंग यूआरएल जो है वो ये दे दिया, और ये टैग इज इक्वल टू सेफ स्काई,
ठीक है, ये भी आपके यूआरएल में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये $479 की ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा कोई और उसको यहाँ से बाय करेगा, तो उसका कमीशन जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अब अमेजोन की खूबसूरती ये है कि अगर आपकी साइट से कोई बंदा जा रहा है ना अमेजोन के ऊपर, एक दफ़ा चला जाता है, तो फिर उसके बाद वो अमेजोन उसको और बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखाता है। ये उसको वो वाला जो है वो पोर्टेबल एयर कंडीशनर पसंद नहीं आया, तो वो ये इनमें से कोई ख़रीद सकता है। तो बाकी अगला काम फिर अमेजोन का है, और यही अमेजोन की खूबसूरती है कि वो फिर यूज़र को कुछ ना कुछ चीज, कोई ना कोई चीज़ जो है वो सेल करके फिर ही जाने देता है। और उसका कुछ लेआउट कुछ इस तरह का है, जैसे ये कंपैरिजन टेबल यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, एयर फिल्टर कैसा है इसका, ड्रेन ऑप्शन इसके कैसे हैं, एक पूरे का पूरा टेबल बनाया गया। फिर कंपेयर विद सिमिलर आइटम्स के अंदर यहाँ पे देखें प्राइसेस के साथ इसका कंपैरिजन है कि जी इसमें ये चीज़ है, ये वाइट है, ये प्लैटिनम एंड ब्लैक ब्लैक है और प्लैटिनम एंड ब्लैक है, उसकी डायमेंशंस क्या है, ठीक है, उसके कितने रिव्यूज़ हैं, 4021 लोगों को ये बेच चुका है अमेज़न इस प्रोडक्ट को, 1337 लोगों ने इस पे रिव्यू दिया है, 4299 लोगों ने इस पे दिया। तो मतलब ये है कि इससे यूज़र जो है वो अट्रैक्ट होता है और यहाँ से जाके वो कोई भी चीज़ बाय कर लेता है। अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लगाई नहीं होती कभी साइट के ऊपर जो है वो, कभी भी हमने जो है वो लिखी नहीं होती किसी उस साइट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू नहीं डाला होता उस साइट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट बिकी हुई होती है कि जो हमने अपनी साइट पे कभी अपलोड ही नहीं की। सर आपकी साइट पे तो एड्स नहीं चल रही, एड्स लाई नहीं है उसके ऊपर, तो ज़रूरी तो नहीं है वही करना है, लकीर के फकीर नहीं बनना, हमने कोई नई चीज़ें भी तो सीखनी है। ठीक है, मेरी साइट से आगे नहीं निकल सकते तुम लोग, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ सिखा दी आप लोगों को। ठीक है, तो उसके ऊपर ये एक तो चीज़ें हैं कि आपको साइट के ऊपर यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं कि डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को अमेजोन के अंदर से जो रिकमेंडेशन एड्स क्रिएट करना सिखाई थी कल शायद, तो आप लोग उसको जो है वो लेके चल सकते हैं। हाउ वी गेट पेड बाय अमेजोन, आपको जो भी कमीशन मिलता है अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर उसकी अर्निंग्स जो है वो शो होती रहती हैं, आप उसके साथ अपना पेनियर कनेक्ट करें और अपनी जो रकूम की मुंतकली है उसको आसान बनाएं। ठीक है, आप अमेजोन एफिलिएट से डायरेक्टली अपने पेनियर के अंदर पे आउट ले सकते हैं और पेनियर से आपका बैंक अकाउंट अटैच्ड होगा और वो पैसे इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, इससे आगे और जो चीज़ थी अगली वो ये थी बेटा कि हमने ये करना था कि आपका ये जो है फुटर, उस फुटर के अंदर हमने एक टेक्स्ट डालना था। आप लोगों को पता है ये जेनेसिस का प्रीमियम थीम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जेनेसिस फ्रेमवर्क है जो हमने इस साइट के ऊपर यूज़ किया है, तो इसको हमने इस फुटर के अंदर कैसे ये चीज़ें डालनी है कौन बताएगा। अब माशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि फुटर को एडिट कर सकते हैं, हेडर को एडिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सेक्शन जो है वो आप लोगों का मैनेजेबल है। तो ये छोटा सा सवाल ये है कि बेटा ये फुटर के अंदर एक तो एक मेन्यू बनाना है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, ये चीज़ें, और साथ ही साथ एक टेक्स्ट का पैराग्राफ जो है वो डालना है आपने। हाँ भाई बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। कस्टमाइज में जाके फुटर का टेम्पलेट नहीं बनता, ये मैंने आपसे पूछा बेटा, ये आपने बताना है मुझे। कस्टमाइज में जाके हीरा ने कहा कस्टमाइज में जाके, मैं अपीयरेंस के अंदर जा रहा हूँ और ये मैं चला गया कस्टमाइज में। अब आगे बताओ, जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे मैं करता रहूँगा। हाँ जी, ये हमारा कस्टमाइज वाला सेक्शन आ गया, अब आगे क्या करना है, कहीं फुटर नज़र आ रहा है तुम्हें कस्टमाइज के अंदर?
बाकी सब लोग किधर है? सारे माशाल्लाह डेवलपर बन चुके हैं, एक फुटर एडिट करना है, जल्दी बताओ। सर मेन्यूज़ के अंदर ऑप्शंस हैं फुटर का, उसमें फुटर मेन्यू बन जाएगा। अच्छा तो ये मैं मेन्यूज़ के अंदर चलता हूँ और क्रिएट अ न्यू मेन्यू कर लें यहाँ से, क्या करें बताओ। सर फुटर के ऊपर एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा है? अच्छा किधर है? ये लो, ये मैं फुटर के ऊपर आ गया हूँ, एडिट का ऑप्शन नहीं है। मैं नई टैब के अंदर भी देख लेता हूँ इसको। तो ये न्यू टैब है हमारा सबस्क्राइब वाला, तो सबस्क्राइब के अंदर भी हम फुटर को मैनेज नहीं कर पा रहे। SEO ग्रोथ डॉट टूल्स खोल लेते हैं। तो इसके ऊपर भी कहीं फुटर को मैनेज करने का ऑप्शन, एडिट ऑप्शन जो है वो नहीं है। इसको मैं बंद कर दूं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले तो हमने जाना है मेन्यूज़ के अंदर, तो डायरेक्टली हम मेन्यूज़ के अंदर चलते हैं। यहाँ से टेम्पलेट बना लेते हैं। अच्छा जी सर फुटर के ऊपर एडिट का ऑप्शन, ठीक है। विजिट्स में जाकर, सर जी विजिट्स में जाकर, अच्छा जी एलिमेंटर से एडिट करेंगे। चलें एलिमेंटर से भी बेटा एडिट करोगे तो एलिमेंटर आपके हेडर और फुटर को कस्टमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए ये देखो, यहाँ पे एक मेन मेन्यू हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने होम एंड किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, मशीनरी रखा था, और उसकी लोकेशन जो थी वो प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू रखी थी जिसको हम हेडर बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और उस नए मेन्यू की जो लोकेशन है वो फुटर नेविगेशनल मेन्यू रख सकते हैं। हर एक थीम के अंदर मेन्यूज़ की डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, ठीक है। तो आप लोग एक यहाँ पे से क्रिएट अ न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं फुटर मेन्यू का। यहाँ से पेजेस भी कुछ क्रिएट कर लें ताकि उनको हम देन यहाँ पर डाल सकें अपने फुटर के अंदर। सर फ्लैटसम में तो हमने कस्टमाइज में से किया था। हाँ जी फ्लैटसम और चीज़ है, और ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो ये और चीज़ें हैं, ठीक है। जेनेसिस और चीज़ है। हर एक थीम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टमाइजेशन आपने वहाँ पे जैसे की थी यहाँ पे भी वैसे ही हो। इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, उन मुख्तलिफ सेक्शंस की मुख्तलिफ सेटिंग्स और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे एक पेज क्लिक बना लेता हूँ एफिलिएट डिस्क्लोजर का। अच्छा जी इसको पब्लिश कर दिया और इसके साथ साथ एक और पेज कॉन्टेक्ट अस का बना लेते हैं। इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। दोबारा से मैं मेन्यूज के अंदर जा रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये उन पेजेस को जो है वो फेच कर ले ज़रा। तो यहाँ से मैं व्यू ऑल किया, होम, एफिलिएट डिस्क्लोजर, एफ कॉन्टेक्ट अस और सैम्पल पेज। सैम्पल पेज की ज़रूरत नहीं है वैसे, प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज बना लेते हैं यहाँ यहाँ से हम। भी पब्लिश कर लेते हैं। तो सिलेक्ट ऑल, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, सैंपल पेज, ऐड टू मेन्यू, व्यू ऑल में होम को भी ऐड टू मेन्यू कर लें। तो ये चार चीज़ें हैं हमारे पास ऐड टू मेन्यू हो चुकी हैं। कॉन्टेक्ट अस को नीचे कर लेते हैं और इसकी ये जो डिस्प्ले लोकेशन है वो हम फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया। तो चलते हैं ज़रा जी SEO ग्रोथ पे। तो ये लें जी होम, प्राइवेसी पॉलिसी, एफिलिएट डिस्क्लोजर और कॉन्टेक्ट अस, अब हमारा फुटर के अंदर आ चुका है। अब उससे अगला काम ये है बेटा, यहाँ पे हमने ये जो कॉपीराइट एट द रेट ऑफ 2020 एस्पायर प्रो लिखा है, तो हमने लोगों को थोड़ी बताना है कि हमने एस्पायर प्रो के जेनेसिस फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो काम किया है, ठीक है, या वर्डप्रेस में हमारी साइट बनी हुई है। तो
तो ये यहाँ पे हम अपना कोई मैसेज जो है वो उनको दिखा सकते हैं और अपनी चीज़ें जो है वो फुटर के अंदर बता सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करना है, जो असल मेरा सवाल था और जो चीज़ें मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था वो ये थी कि एक प्लगइन है जिसका नाम है, जिसके ज़रिए हम कुछ छोटे छोटे से सेक्शंस हैं इसके, वो सेट कर सकते हैं। जेनेसिस सिंपल एडिट्स के नाम से एक प्लगइन है, जेनेसिस सिंपल एडिट्स, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसकी डिस्क्रिप्शन देख लें, दिस प्लगइन लेट्स यू एडिट द थ्री मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड एरियाज इन एनी जेनेसिस थीम, द पोस्ट इन्फॉर्मेशन, द पोस्ट मेटा एंड द फुटर एरिया। तो फुटर एरिया को हमने अगर एडिट करना है, उसके लिए जो प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं वो है जेनेसिस सिंपल एडिट्स। सर ये जो वाइट लाइन आ रही है इसको कैसे खत्म करना है? एलिमेंटर से मार्जिन वगैरह आपको इसका मैनेज करना है बस, और इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसका। जेनेसिस सिंपल एडिट्स का जो प्लगइन है आपने इंस्टॉल कर लिया, तो अब ये जेनेसिस के अंदर, ये जेनेसिस के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास सिंपल एडिट्स का एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, मैं इसको इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें जरा, ये मेरे पास फुटर की जो आउटपुट है वो यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, इसको सारी की सारी को रिमूव करके हम लोग अपना एक पैराग्राफ जो है वो ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये फुटर कॉपीराइट है, कॉपीराइट एट द रेट ऑफ 2020 है, ठीक है, एस्पायर प्रो है, इसकी जगह पे हम अपना लिंक लगा सकते हैं, इनकी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से सब्सक्राइब पे से उठा लेता हूँ उसको, जो भी उसका वो कॉन्टेंट वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसका पैराग्राफ कॉपी किया और इसके इस फुटर के अंदर आके ये जो पैराग्राफ का टैग था इसके अंदर मैंने ये जो सारे के सारा टेक्स्ट था वो लिख दिया और इसको यहाँ से मैंने सेव चेंजेस कर दिया। सेव चेंजेस करके हम अपनी साइट पे आते हैं जो हमारी एसईओ ग्रोथ वाली साइट है। तो ये जी अब उसका हुआ नहीं सेव, इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ ज़रा। ओके ठीक है, सेफ्स का एक इधर ये सेफ्स का है, इसके डैशबोर्ड में चलते हैं और इसकी चीज़ें जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है चाइल्ड थीम का लिंक लगाया है उसने और जो यूआरएल है वो स्टूडियो प्रेस का दिया है। इसकी जगह पे हम लोग अपना भी यूआरएल बना सकते हैं या फिर हम सिंपल यहाँ पे एक और पैराग्राफ का टैग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे से एक नया पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ को एंड किया और उस पैराग्राफ के अंदर हमने ये वाला जो टेक्स्ट था वो डाल दिया। ये सवाल मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बता दिया था ये सारा कुछ तो प्लगइन्स कर रहे हैं, तो थीम क्या कर रहे हैं आप लोग पूछेंगे। इसको मैं सेव चेंजेस करता हूं, ये डैशबोर्ड है इसका और इसके जेनेसिस में जा रहे हैं हम और इसके सिंपल एडिट्स में चलते हैं। अच्छा जी, इसके सिंपल एडिट्स में जो भी कंटेंट है ये सारे का सारा फुटर कॉपीराइट है, ठीक है, एंकर टेक्स्ट जो था उसकी जगह पे हमने अपनी चीज़ें लिख ली हैं, इनको हम यहाँ पे ज़रा प्लेस करके चेक करते हैं। हाँ, वो हमने यहाँ से टिक नहीं किया था, इसको टिक करना जो है वो ज़रूरी है ताकि वो ओवरराइड कर सके ऑलरेडी जो हमने टेक्स्ट डाला है इसके अंदर उसको। ये ले जी, कॉपीराइट एट द रेट ऑफ 2020 ब्रॉट टू यू बाय सेफस्काई। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपली आपने जो है वो करना ही है,
मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे ये जो फुटर चाइल्ड थीम का लिंक लगा है इसको रिमूव कर दें। ये सारी चीज़ें रिमूव करके आप लोग यहाँ पे अपना एंकर टेक्स्ट बना के लगा सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं जो नई चीज़ें मैंने यहाँ पे जो डाली हैं वो देख लें। फुटर कॉपीराइट जो है वो लगा रहने दें, ठीक है। एट द रेट ऑफ की जगह पे ब्रॉट टू यू बाय सेफ्सकाई है, उसको हमने एंकर टैग के अंदर लिखा है और उसके HRF के अंदर सेफ्सकाई.com लिखा है। उससे ये होगा कि ब्रॉट टू यू बाय के ऊपर जब लोग क्लिक करेंगे तो वो उनको सेफ्सकाई.com के ही मेन पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। ये सेफ्सकाई.com पे चला गया। तो इस तरह जो है आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेक रो लगाइए, HTML का टैग है आपको पता है, और नीचे जो है वो टेक्स्ट लिख दिया बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर इसको सेव चेंजेस कर दें, और मॉडिफाई करना था यहाँ से। कोई प्रॉपर्टी नहीं है नासिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैंने इसको अमेजोन एफिलिएट साइट के लिए यूज़ किया। कोई मसला ही कोई नहीं है, आप लोग जो मर्जी थीम यूज़ करें, आपको खुली छुट्टी है, आप लोग कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी थीम के ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने ये पहले ही आप लोगों को बता दिया था इन प्लगइन्स का। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई स्पेसिफिकली मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जी ये कुछ इस तरह जो है वो, असल में बात यह है कि इस थीम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सिर्फ मैं ये चीज़ें नहीं सोच रहा होता कि इसका लेआउट कैसा है, इस थीम की जो चीज़ें का इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है, कलर स्कीम कैसी है, बहुत सारी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चीज़ें क्या देखनी पड़ती हैं कि ये जो थीम है ये जल्दी इसके ऊपर जो साइट बनेगी वो लोड भी होगी या नहीं, ठीक है। इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कैसी होगी। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन खास तौर पे आपके किसी भी जो है वेबसाइट को रैंक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड जो है वो 80+ 90+ होनी चाहिए, लोडिंग टाइम जो है वो less than 3 seconds होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थीम कैसा है, लोगों की नेविगेशन इसके ऊपर कैसी है, लोग कितनी ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं इसके ऊपर, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं थीम सेलेक्ट करते हुए। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ें स्टार्ट में क्लियर कर दी थी कि आपने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है तो थीम सेलेक्ट कर लेना स्टार्ट में, उसके बाद देन स्टिक टू इट फॉर द होल लाइफ ऑफ दैट वेबसाइट, ठीक है। आपने बार बार उस थीम को चेंज नहीं करना। आपने वंस एक थीम सिलेक्ट कर लिया एक वेबसाइट के लिए, सारी चीज़ें उसकी पहले स्टार्ट में सोच लें कि अच्छा यार इसका प्रोडक्ट पेज कैसा होगा, इसका पोस्ट पेज में कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसके पेजेस का जो लेआउट है वो कैसा होगा, इसका कैटेगरी पेज कैसा होगा, ताकि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकें कि यूज़र को क्या आसानी है, ये रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं, मोबाइल पे इसका लेआउट कैसा खुलता है, इसका लेआउट टैबलेट पे कैसा खुलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब देखें आइंदा आने वाली जो फील्ड है उसके अंदर बहुत सारे आप कह लो कि 75 to 80% यूजर्स जो हैं वो मोबाइल से आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके फिर आपको चलना पड़ेगा। सर इतने प्लगइन्स करके स्पीड कम नहीं होगी? होगी बिल्कुल, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं आप लोग। प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। मैंने आप लोगों को WP रॉकेट भी दे दिया, WP फास्टेस्ट कैशे आपके पास है, स्मश है, इमेजिफाई है, ऑटो ऑप्टिमाइज है, ये सारे के सारे प्लगइन्स को यूज़ करके। फिर फाइल मिनिमाइजर वाला जो टूल है उसके ज़रिए आप लोग फाइल्स को मिनिमाइज करके कंप्रेस करके देन अपलोड कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर, ताकि वो जो फाइल्स हैं जो इमेजेस हैं उनकी वजह से सर्वर को ज़्यादा जो है उनको सर्व करने में, उनको लोड करने में ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगे, ठीक है। और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। अब चलें जी, अब मुझे बताएं, अब सेफ्सकाई को जरा स्क्रॉल करें सब लोग एक दफा, और उसमें कोई सेक्शन अगर आप लोगों को नजर आ रहा है ऐसा जो हमने डिस्कस नहीं किया तो वो मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं, उसको हम जो है वो अभी के अभी जो है वो देख लेते हैं कि कैसे वो हम लोग कर सकते हैं उसको। सेफ्सकाई को ओपन करें, ये मोनार्क का प्लगइन है, आज आप लोगों ने ये भी इंस्टॉल करके देखना है, ठीक है। और इसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह फुटर के अंदर लगाने आ गए, आप लोगों को बटन्स लगाने आ गए एलिमेंटर से, ठीक है। पेज आप लोगों ने डिजाइन करना सीख लिया है, फिर उसके बाद
फाइल मिनिमाइजर से मिनिमम साइज मोबाइल पे तो इसका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं। चेक करो दोबारा से कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो जीशान। फाइल मिनिमाइजर से मिनिमम साइज कितना रिकमेंड करेंगे आप? इकरा, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। असल में ये जो आपका GT मैट्रिक्स का टूल है ना, जो मैंने आपको बताया स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो GT मैट्रिक्स का टूल आपको ये बताता है कि सर आपका ये जो है इमेज इतने पिक्सल्स का है, लेकिन मैं आपको इतने पिक्सल्स का रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ सर्वर स्केल्ड इमेजेस का एक प्रॉब्लम आ रहा होता है GT मैट्रिक्स के जरिए, आप लोग जब कर रहे होते हो ना स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पे वो आपको उस इमेज का URL भी बताएगा कि क्या है, और साथ ये भी बताएगा कि इसका रिकमेंडेड साइज क्या होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अब आपको बता दूं जी इतने बाय इतने का होना चाहिए। हर एक सिचुएशन के लिए अलग इमेज साइज होता है। ठीक है, तो हर एक पोजीशन, हर एक जो है वो जगह के लिए अलग इमेज साइज होगा, वो GT मैट्रिक्स आपको रिकमेंड कर देगा, कुछ आपको खुद आपका तजर्बा जो है वो बता देगा। सर इमेज इमेजिफाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इमेजिफाई है, इमेजिफाई इमेजेस को कंप्रेस करता है। स्मश का जो प्लगइन है WP स्मश, उसका भी प्रो वर्जन आप लोगों को दे दिया है। WP स्मश प्रो भी आप लोगों के पास है, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। फिर भी नहीं होते तो दोबारा आप फाइल मिनिमाइजर को यूज़ करें और फाइल मिनिमाइजर के जरिए कंप्रेस कर लें। सर डेपर में भी पोस्ट में प्रोडक्ट फीचर्स हैं, समझ नहीं आई मुझे क्या कहा है आपने। प्रोजन कॉन्स पता नहीं इसने ये कैसे डिज़ाइन कर दिए हैं, ये मैं देखता हूँ आज ऐसे ही बस ये खुल गई है साइट ये वाला आर्टिकल, तो अब देखो उसने प्रोज एंड कॉन्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। आई थिंक सो ये नया बंदा कोई हायर किया है इन्होंने और इसको पता नहीं है। चलें मैं देखता हूँ कोई इंटर्न होगा जो इसको फॉर्मेटिंग कर रहा होगा। सर इमेजिफाई तो प्रो नहीं है ना? नहीं, वो फ्री है, इमेजिफाई बिल्कुल फ्री है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं स्पाइडर किलर्स के नाम से। चलें अब याद रहेगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मैं अब सब्सक्राइब ये वाली जो वेबसाइट है वो कंप्लीट है, उसके अंदर कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं अभी इसको जो है वो WP रीसेट कर देना है। सर आप बहुत अच्छे। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ, वो बहुत बुरा हूँ मैं तो किसी की बात ही नहीं सुनता, ना मैं किसी को रिप्लाई करता हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। ऐसे ही है ना? अच्छा जी ठीक है गुड। और कोई चीज़ पूरी सेफ्स का एक दफ़ा स्क्रॉल करें देखें उसके अंदर कोई चीज़ रहती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सर ये चीज़ बढ़ा दें, आज इसको एंड कर देना है, कल से PHP स्टार्ट कर देनी इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी जीशान साहब आप कर लें, मुझे अभी अगर URL यहाँ पे सेंड कर सकते हैं तो कर दें, देख लेते हैं उसको। ऐसा जी मक्खन तो लगाने दिया करें बच्चों को। नहीं, मैं वो वाला टीचर तो नहीं हूँ जिसने आपको ग्रेड्स देने हैं, जिसने A ग्रेड देना है। मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, ही मुझे मक्खन चाहिए, बस आपके दिलों में जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए वही बहुत है, आप लोगों की जो दुआएं हैं वही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती। सर हाउ वी नो समवन बाय थिंग्स थ्रू आर लिंक? इकरा आपका जो अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम का जो मैंने आपको बताया ना कि डैशबोर्ड, उसके ऊपर जाके आप साइन अप करोगे और उसके ऊपर जो है वो उसके जरिए लिंक्स जनरेट करोगे सही नंबर्स के जरिए, वो फाइंड आउट करके उसकी प्रोडक्ट को, तो फिर आप लिंक लगाओगे। तो वो जो डैशबोर्ड है अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम का, उस डैशबोर्ड के अंदर आपकी अर्निंग्स जो है वो आपको मिलती जाएंगी। जैसे ही कोई बंदा आपके लिंक से जाके प्रोडक्ट को बाय करता है और अमेजोन उसको वो प्रोडक्ट शिप कर देता है, तो आपकी उस अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के डैशबोर्ड के अंदर वो अर्निंग्स जो है वो एक डैशबोर्ड की शक्ल में आ जाएंगी कि इतने डॉलर आपने कमा लिए हैं, फलां दिन को फलां सेल आई है, ये प्रोडक्ट बिकी है और आपको इसका इतना कमीशन मिल गया। ठीक है सर, लोकल होस्ट पे है अभी। अच्छा चलें ठीक है, फिर देख लेते हैं उसको फोन पे देख लेते हैं। सर आज काम करेंगे, फिर क्वेश्चंस हुआ तो डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है जी इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह हम PHP स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अभी ये जो पिछले बाकी जो 9 8 9 लेक्चर्स हैं
उनको हम थोड़ा सा कोड के ऊपर भी अपना हाथ सीधा कर लें। HTML CSS हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली है, अब थोड़ा सा PHP और डेटाबेसिस को डिस्कस करेंगे तो वो और ज़्यादा चीज़ें हमारी जो वर्डप्रेस की हेल्प है उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और PHP को हम वर्डप्रेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बग्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, उसकी हेल्प के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की PHP के कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे लूप्स की बात करते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो PHP के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे हमने उसके अंदर फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं, हमने उसके अंदर लूप्स कैसे चलानी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग PHP वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। आज का आपका जो टास्क है वो बेटा ये है कि सेफस्काई डेप पावरेटर डॉट को इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इन साइट्स को, और इसमें कोई सेक्शन अगर आपको लगता है कि हम ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे या हमने क्लास में इसके बारे में कभी बात नहीं की या डिस्कस नहीं किया तो आप लोग वो मेरे से पूछ सकते हैं, कल को इंशाल्लाह जो है वो उसको हम डिस्कस कर लें। सर स्कूल मैनेजमेंट का बता दें जरा, मैं बता देता हूँ सर, व्हाट इज़ द लैंडिंग पेज एंड हाउ वी कैन डिज़ाइन इट। राजे यू हैव ऑलरेडी डिज़ाइन सो मेनी लैंडिंग पेजेस, डेपर डॉट रिव्यूज़ का जो मेन पेज है वो लैंडिंग पेज है, ठीक है, सेफस्काई का मेन पेज लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज यही होता है जिसके ऊपर पहली दफ़ा आप लैंड करते हो जब साइट खुलती है। तो अभी हमारे आगे आसमां और भी है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी अभी समझ लें कि रायता बनाना नहीं आया, ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना जो है वो बाकी हैं, कभी भी ये मत समझें कि हमने बहुत चीज़ें पार कर ली हैं, अब मेरे पास जी ये गिटहब पे आज सर ने जो है वो सारे प्लगइन्स अपलोड कर दिए हैं तो आज तो हमने जो हमने छोड़ लिया उस्ताद को, हैं बस अब उस्ताद एंड है, इससे आगे ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप लोग इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे ना तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी होगी जो रहता है, जो रहता है, ठीक है, ये चीज़ें जब बात से बात निकलती है तो फिर और ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। आपने कहा था कि कंटेंट राइटिंग पे भी एक लेक्चर होगा, राइटिंग पे मैंने कब लेक्चर कहा था भाई, राइटिंग तो मैंने आज तक की नहीं है, मेरी अंग्रेजी आप लोगों ने देख ही ली होगी कितनी अच्छी है, तो राइटिंग वाला मैंने कभी वादा नहीं किया। हाँ मैंने ऑन पेज एसईओ का कोई शायद कभी कहा हो तो वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि हो जाए। arsofttech.net चलें जी मैं देख लेता हूँ। 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स हैं जी, मेन पेज पे लगाया है उसका आर्टिकल। वेरी गुड, हाँ जी HTML टू वर्डप्रेस हम तब करेंगे जब हम PHP कर चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा PHP का सेक्शन है, PHP के कुछ फंक्शंस हम उसके अंदर यूज़ करेंगे तो वो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग क्योंकि उसके अंदर PHP यूज़ होगी, तो वंस हम PHP को थोड़ा सा उसका नो हाउ ले लें फिर उसके बाद हम किसी एक दिन जो है वो बैठ के HTML टू वर्डप्रेस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ जी ये ब्लैक क्यों हो गया भाई, पोस्ट पेज के ऊपर आके इसका कलर ब्लैक हो गया, इसको देखो जरा, 10 बेस्ट पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स इन 2020, वेरी गुड, टेबल को बॉर्डर भी लगाया इन्होंने जी, इसका टेक्स्ट का कलर ब्लैक करो, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये ना थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, ग्रे ग्रे सा कलर आ रहा है, ठीक है जी बेहतरीन, अब प्रोज एंड कॉन्स भी इसके अंदर आ जाएंगे तो वो देखें और कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा, वेरी गुड। अच्छा कमेंट पोस्ट करने लगा था मैं। ये देखें जी आपका ऑटोमोटिव वाला जो है इमेज वो यहाँ पे नहीं हो रहा, मैंने आपको कहा ये सेफस्काई कैटेगरीज ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे का सारा जितना भी कंटेंट है ना इसको आप लोग एक सेक्शन के अंदर रखते हैं और उस एक सेक्शन को आप जो है वो स्टिकी कर दें, अब देखें ना सेफ्सकाई कैटेगरी नज़र आ रही है और ना वो ऑटोमोटिव वाला इमेज नज़र आ रहा है, ठीक है।
इसको मैं बंद कर रहा हूँ। वेरी गुड, अच्छा काम किया है आपने। और हाँ जी, SSL सर्टिफिकेट इनका इंस्टॉल नहीं है, वो कर लें, आपको पता है कैसे करना है। आपने अपने सी पैनल के अंदर जाके लेट्स इनक्रिप्ट SSL का ऑप्शन होगा, अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई और चीज़ डिस्कस करने वाली है तो बता दें। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ आ जाए जरा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ SEO ग्रोथ के। फ्लैश WP पे क्या किया था हमने, कुछ किया था अभी? जी बिल्कुल ब्लैंक है, इसके ज़रा WP एडमिन में चलता हूँ मैं, अगर इसका पासवर्ड हमारे पास सेव हो तो। नहीं होगा, चलें जी, हो गया। सी पैनल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बिल्कुल ब्लैंक साइट है। ठीक है, हमने इसके ऊपर जो है वो स्कूल मैनेजमेंट जो है उसका एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल करना है। असल में स्कूल मैनेजमेंट हमने डैशबोर्ड में ही करनी है, और डैशबोर्ड के अंदर ही इसकी सारी की सारी फील्ड्स जो है वो मैनेज करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लगइन्स के अंदर मैं जा रहा हूँ, और ऐड न्यू करते हैं। अगर हो जाए तो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इसका इंक्रीज करने वाला ना हो, तो स्कूल मैनेजमेंट का प्लगइन मैं इसको दे रहा हूँ। और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। सर अगर एक डेटाबेस हो तो डायरेक्टरी में वेबसाइट बन जाएगी? नहीं, एक डेटाबेस के लिए एक वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस यूज़ होगी, तो फिर अगली के लिए अगली डेटाबेस यूज़ होगी। एक तरीका होता है टेबल प्रीफिक्सेस के ज़रिए ये काम करने का, उसके ज़रिए किया जा सकता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट दुआ करें कि इंस्टॉल हो जाए। नहीं होगा तो हम लोग इसको डायरेक्टरी में भी जाके रख सकते हैं। असल में मुझे अब याद नहीं है कि हमने इसका अपलोड फाइल साइज इंक्रीज कर लिया था या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी किस्म का प्लगइन है, जिसने पूरी सारी की सारी साइट को एक स्कूल वेबसाइट बनाना होता है। जी, प्लग इन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, एंड लेट्स एक्टिवेट इट। अब देखें जरा, जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, ये साइट पे नजर आ रहे हैं कितने ऑप्शंस आ गए आपके पास। ये सबसे पहले है स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, मैं इनको वन बाय वन थोड़ा सा इसका नो हाउ देता रहता हूँ आप लोगों को। स्कूल मैनेजमेंट है, इसके मैं डैशबोर्ड में आता हूँ। इसमें हम कितनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, स्कूल्स, सबसे पहले तो स्कूल्स को मैनेज कर रहे हैं। अगर मैंने मतलब मुख्तलिफ ब्रांचेज है मेरे स्कूल की, तो मैं उनको यहाँ पे उसको मैनेज कर सकता हूँ कि जी मेरे लेट सपोज फैसलाबाद के अंदर ही कोई 3 ब्रांचेज हैं स्कूल की, 6 ब्रांचेज हैं, तो मैं उन स्कूल्स को यहाँ पे मैं जो है वो पहले ऐड करता जाऊँगा कि मेरे पास इतने स्कूल्स हैं। ऐड न्यू स्कूल यहाँ से करके, जैसे ही उस ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसकी डिटेल उस स्कूल की जो है वो आप लोग देंगे और उसको ऐड कर देंगे। एक्टिव है, इनएक्टिव है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन क्या है, स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, बेस नंबर, इनरोलमेंट प्रीफिक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर क्लासेस हैं, तो अब ये क्लासेस जारी बात है इन स्कूल्स के अंदर होंगी। पहले एक स्कूल ऐड कर लिया, फिर उसके बाद ये क्लासेस 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास। यहाँ से डिलीट करनी है डिलीट कर लें, नई क्लासेस ऐड करनी है, या आप लोगों ने इन्हीं को एडिट करना है तो आप लोग इन्हीं को भी एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनके सेशंस है। सेशंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो है वो इनका जो डे 2020 से एक सेशन स्टार्ट हुआ है 2021 तक स्टार्ट, उसकी डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, उसको अगर रखना है तो आप लोग रख सकते हैं। ये जी स्कूल मैनेजमेंट, उसकी फिर सेटिंग्स हैं। ये जी आपका एक स्कूल, ठीक है, उसकी ये डैशबोर्ड है।
उसके अंदर ये स्कूल के अंदर टोटल कितनी क्लासेस हैं, टोटल कितने सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद अपडेट होती रहेंगी जैसे ही आप लोग यहाँ से क्लासेस क्रिएट करेंगे ना। ये मैं जा रहा हूँ जी एस एकेडमिक के अंदर, एकेडमिक डैशबोर्ड है, तो ये क्लास के सेक्शंस हैं, ये क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, अटेंडेंस है, व्यू अटेंडेंस, टेक अटेंडेंस, स्टडी मटेरियल्स, होमवर्क, नोटिस बोर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की एकेडमिकली चीज़ों को जो मैनेज करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने स्टूडेंट के ऊपर आना है, नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, नया स्टूडेंट आ गया और नए स्टूडेंट के लिए उसका आपने एडमिशन करना है, तो एडमिशन फॉर्म उसका एड न्यू एडमिशन कर देंगे। बल्क एडमिशन भी कर सकते हैं, आप लोग एक CSV फाइल बना लें, वो आपको फॉर्मेट बता देगा कि इस CSV फाइल के अंदर या इस एक्सेल फाइल के अंदर आप लोग ये चीज़ें लेके चलें, तो फिर उसके बाद आप लोग उसको बल्क अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी डिटेल्स स्टूडेंट्स को व्यू करना है, ठीक है, व्यू करना है अगर स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे उनकी सारी की सारी चीज़ें ये अवेलेबल हो जाएंगी आपको। स्टूडेंट का नेम क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, फ़ोन, ईमेल, क्लासेस, सेक्शन, रोल नंबर, फादर नेम, फादर का फ़ोन, उसके लॉगिन का ईमेल। अच्छा ये ना आप लोगों को स्टूडेंट्स का लॉगिन भी एक बना के देगा इसके अंदर, कि स्टूडेंट्स आके खुद से लॉगिन करके अपनी असाइनमेंट्स देख सकते हैं, अपना टाइम टेबल व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं कि फलां टीचर ने हमें कौन सा असाइनमेंट जो है वो दिया है। इसके मैं दोबारा से एडमिशन के अंदर आ रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोग आईडी कार्ड्स, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रमोट करना है स्टूडेंट्स को फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, ट्रांसफ़र करना है एक सेशन से दूसरे सेशन के अंदर, और सर्टिफिकेट्स जनरेट करने हैं तो सर्टिफिकेट्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये है जी आपका एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, उसके अंदर आप लोग टीचर्स, रोल्स, स्टाफ ऐड करना है आपने, ठीक है। मैं अगर यहाँ से डैशबोर्ड करता हूँ, इसके डैशबोर्ड में जाता हूँ, तो व्यू एडमिन, ऐड न्यू एडमिन करना है, ऐड न्यू रोल करना है, ऐड न्यू स्टाफ करना है, तो मैं ऐड न्यू स्टाफ करता हूँ। उसके मुख्तलिफ किस्म के रोल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो से आप लोग उसका रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं उसका रोल, पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसके रोल्स के अंदर जाता हूँ, उसको जो जो परमिशंस आपने देनी है ना, आप लोग उसको परमिशंस दे सकते हैं। ऐड न्यू रोल के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ से इस रो मतलब उस उसको हमने जो है वो एज अ टीचर अपनी क्लास के अंदर रखना है, अपने स्कूल के अंदर हमने उसको रखना है। तो हम उसको कौन कौन सी परमिशंस दे रहे हैं कि वो इंक्वायरीज को मैनेज कर सकता है, एडमिशंस को मैनेज कर सकता है, मैनेज स्टूडेंट्स, ऐड और रिमूव स्टाफ। अब ये तो नहीं दे सकते ना हम किसी टीचर को, ये एक्सेस तो नहीं दे सकते कि वो किसी और स्टाफ मेंबर को रिमूव कर सके, यानी स्टाफ मेंबर को ऐड कर सके। व्यू स्टेट्स बा अमाउंट बाय फी स्ट्रक्चर, तो अगर प्रिंसिपल ये नहीं चाहता कि उसके टीचर्स को पता लगे कि फीस कितनी आई है बच्चों की, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। लाइब्रेरी को मैनेज करने की वो किसी को ड्यूटी लगा सकता है, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने की वो किसी को ड्यूटी लगा सकता है, टाइम टेबल को मैनेज करने की, तो ये सारी की सारी जो है वो एक पूरे का पूरा एक LMS है जिसके ज़रिए आप लोग इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये फिर SM अकाउंटिंग है, आपकी सारी की सारी जो इनकम है ये देखें यहाँ पर मैनेज हो रही होगी, और इनवॉइसेस जनरेट करनी है आपने, आपके एक्सपेंस कितने हुए, आपने यहाँ पे ऐड न्यू करके एक्सपेंस को एडिट करते जाना है। इनकम जैसे जैसे फीसें आती जाएंगी बच्चों की, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ़ी की टाइप्स खुद से जनरेट कर लें कि उसकी जो है वो ट्यूशन फ़ी आई है, या फिर कोई टूर पे जा रहे हैं उसकी फ़ीस है, या पेपर की फ़ीस है, जो भी आप लोगों की होती है, मुझे तो अब इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपका जो सारे का सारा एक्सपेंस को मैनेज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग इसके अंदर अपनी इनकम्स को, एक्सपेंसेस को, फ़ी इनवाइसेस को जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ से चीज़ें, अब जैसे ये फ़ी इनवाइस है, ऐड फ्यू इनवाइस करनी है, एक्सपेंस ऐड करना है, इनकम ऐड करनी है, ऐड न्यू इनकम किया, व्यू भी कर सकते हैं ना एज एन एडमिन। तो मैं तो एज एन एडमिन ही यहाँ पे आया हूँ, तो ये मैंने ऐड न्यू इनकम की, उसका टाइटल बताया, यहाँ से उस इनकम की कैटेगरी सिलेक्ट की कि किस टाइप की इनकम है ये, ठीक है, फीस आई है बच्चे की, या फिर उसने अपने टूर के चार्जेस दिए हैं, या क्या, ये सारी की सारी चीज़ें इसने क्या कैसी दी हैं, अमाउंट है कितनी, अमाउंट उसने दी है, उसका इनवाइस नंबर क्या है, इनकम की डेट क्या है, और नोट कोई अगर लिखना है तो लिख दें, और यहाँ से ऐड न्यू कर दें। जैसे ही ऐड न्यू करेंगे तो आपकी इनकम के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, फिर एक्सपेंस के अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो इनकम में से उतनी चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर ये टेबल्स कनेक्टेड होंगे इसके डेटाबेसिस के, और ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और मैनेज हो रही होंगी।
फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन हैं जी आपके, एग्जाम्स के अंदर मैनेज करना है, एग्जाम्स को एडमिट कार्ड्स हैं, एग्जाम के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स की असेसमेंट है। तो रिजल्ट्स तक आप लोगों के यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं, बच्चों के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करके उनको वो पढ़ा सकते हैं। ये लाइब्रेरी आ गई आपकी, लाइब्रेरी में कोई नई बुक ऐड करनी है, ठीक है, कि हमारे पास इतना स्टॉक आया है लाइब्रेरी के अंदर और इतनी किताबें आई हैं, उनका टाइटल ये है, उनका राइटर ये है, उनका ऑथर ये है उस बुक का। आप लोग उन बुक्स की एक इन्वेंटरी बनाते रहें, यहाँ से जैसे ही आप बुक इशू करेंगे तो उसको इशू बुक्स के अंदर एक फॉर्म फिल करके छोटा सा जो है वो इशू बुक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और वो बता देंगे किस स्टूडेंट ने जो है ये फलां किताब खरीदी है, ठीक है। लाइब्रेरी कार्ड्स अगर जनरेट करने हैं तो लाइब्रेरी कार्ड्स यहाँ से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट आ जाती है जिसके अंदर व्हीकल्स हैं, रूट्स हैं और रिपोर्ट है, ठीक है। कोई नई व्हीकल आपने अपने स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करनी है तो व्हीकल्स के अंदर से जाके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ईच एंड एवरी थिंग इज मैनेजेबल हेयर रिलेटेड टू योर स्कूल, ठीक है। अब इसका छोटा सा जो है पैसे कमाने का जो तरीका है वो ये है कि आप लोग किसी लोकल होस्ट के ऊपर उनको ये प्लगइन इंस्टॉल करके दें और उनको ये डैशबोर्ड दिखाएं, ठीक है, कि भाई साहब ये आपका डैशबोर्ड है, आप लोग इसको ऐसे ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उसका फ्रंट एंड भी उनको देना चाहते हैं डिज़ाइन करके तो ठीक है, आप उसके ऊपर कोई स्कूल का थीम इंस्टॉल कर लें और उसका डेमो लगा के जो है वो कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आम लोगों को। जो स्कूल के लोग होते हैं अक्सर वो ये चाह रहे होते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज हो जाए किसी तरह और हमें पता हो कि किस बच्चे की फीस आई है, किस बच्चे की फीस नहीं आई। तो ये चीजें जो है वो आप लोग इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। किसी अब आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी, आप स्कूल्स विजिट करें, उनके प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग करें, उनको साथ लाइव एक डेमो दिखाएं कि सर ये हमने अपना एक सिस्टम बनाया है, आप इस सिस्टम को यूटिलाइज करके देखें, चेक करके देखें, आपकी जो सारे का सारा फाइल सिस्टम था, बड़ी बड़ी वो जो है रजिस्टर आपने अपने दफ्तर जो है वो उनसे भरे हुए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सारी चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं और आपका जो सारा स्टॉक है वो यहाँ पे मैनेज हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं इतना ही कर सकता था, अब इससे आगे जाना आप लोगों ने है, मीटिंग्स आप लोगों ने करनी है, क्लाइंट्स आप लोगों ने डील करने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अब आप लोग खुद से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो जी जला के सरे आम रख दिया, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आप लोग खुद से इसको जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग है वो आप लोगों को डोर टू डोर, स्कूल टू स्कूल, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट जाके खुद से करनी पड़ेगी। ये आप लोगों के ऊपर है कि अब आप किसी रेस्टोरेंट को किस तरह की वेबसाइट बना के दे सकते हैं, उसकी डील्स कितनी अच्छी तरह आप लोग उसके रेस्टोरेंट पे की वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है दुनिया, हमने सिर्फ ये देखना है कि मेरा स्कोप क्या है, मेरा दिल क्या करता है करने को और मैंने किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करना है। सर ये प्रो प्लगइन तो नहीं है ना बेटा? प्रो प्लगइन ही है, फ्री में इतनी चीज़ें नहीं मिलती। सर ये तो एक स्कूल ग्रुप का प्लगइन है ना, एक सिंगल स्कूल भी हो सकता है। हाँ जी एक सिंगल स्कूल मैनेज कर लें आप, मल्टीपल अपने स्कूल मैनेज करना चाहते हैं मल्टीपल कर लें। एलएमएस के लिए भी यही प्लगइन यूज़ होता है, ये एलएमएस ही है, ठीक है, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही है पूरा ये प्लगइन, ठीक है, और पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है आपके स्कूल का। और सर थीम कौन सा चूज़ किया, वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी थीम चूज़ करके आपने उसका फ्रंट एंड अलग से बना लेना, ये बैक एंड की जो फंक्शनैलिटी होती है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड तो हम आप लोग काफ़ी उसको पढ़ चुके हैं ना, आप कोई भी थीम सेलेक्ट करें, स्कूल मैनेजमेंट के बहुत सारे थीम आपको, स्कूल मैनेजमेंट नहीं स्कूल वेबसाइट के थीम्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उसे आपने सिर्फ उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है। वो तो अब आप लोग सवाल ना पूछे ना मेरे से, वो खुद से भी कर सकते हैं आप, एलिमेंटर में डिज़ाइन कर लें, आप कोई थीम यूज़ कर लें। ये बैकएंड की फंक्शनैलिटी पूरे का पूरा जो टेक्नोलॉजी है इसकी, ये बहुत कम लोगों के पास होती है और लोग तरसते हैं कि उनको कोई डेवलपर ऐसा मिल जाए जो उनको जी कोई 50-60 हज़ार रुपये के अंदर पहले ये डेवलपमेंट कॉस्ट दे, फिर उसके बाद मैनेजमेंट दे उसकी। तो ये इस तरह की चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो एक तो ये है कि ईजीली मैनेजेबल है और ईजीली जो है वो डिप्लॉयबल है, आपको ये एक डोमेन खरीद के उनको ये एक प्लगइन छोटा सा इंस्टॉल करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आप उसे जो है वो इनवाइस बना के भेजें ना, 35-40 हज़ार रुपये की नहीं देता तो फिर मुझे बताएं, फिर आपको कन्विंस नहीं करना आ रहा या उसको आपको अपनी टेक्नोलॉजी को समझाना नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है।
वो उसके बाद फिर आपकी अपनी मर्जी है ना, आप उसको जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट अलग से लो उनसे, और अगर वो आपसे कहते हैं कि आप ही इसको मैनेज करो, तो फिर आप उनके उनसे ये कह सकते हो कि ठीक है मैं इसको मैनेज करूंगा, और उसकी मंथली जो है वो हम इतने पैसों के अंदर हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है? उनसे फिर मंथली आप लोग जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। वैसे तो ये सिंपली इजीली जो है वो मैनेजेबल है, उनका कोई भी हर स्कूल में ना एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो उनका कंप्यूटर ऑपरेटर इसको आसानी से मैनेज कर सकता है। सिर्फ रिकॉर्ड्स ही एंटर करने हैं ना, डाटा एंट्री का काम है, तो आप लोग देख लें, खुद से अगर करना चाहते हैं खुद से कर लें, अगर उनको डिप्लॉय करके देना चाहते हैं तो डिप्लॉय करके दें। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। सर मैनेजिंग कॉस्ट भी बता दें आप, मेरा ख्याल है कि इसको आप ये डिपेंड करता है कि आप उनको कितना टाइम दे रहे हो, रिमोटली आप उसको मैनेज कर रहे हो या फिर ऑन साइट मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीजें देख के फिर आपको जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर, वर्डप्रेस डेवलपर की जो जॉब्स होती हैं वो कस्टमाइज की ही होती हैं, तो बेटा कस्टमाइज ही करवाया मैंने 3 महीने, आप लोगों को कस्टमाइजेशन ही सिखाई है। ठीक है, WP एडमिन पे करेंगे साजिद, क्योंकि ये बैकएंड मैनेज करना है हमने यहाँ से इसका। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।